अबे टिप्सन भाई, ये देखो ये आग क्यों निकलने लग गया और इसके अंदर से कौन आ रहा है? ये स्पाइडरमैन अपने वाइस टाउन में। बहुत अच्छी नींद आई आज, लेकिन ये टिप्सन ने मेरी नींद खराब कर दी। सुबह सुबह फोन करके बुला लिया और बोला कि यार कुछ तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, कुछ तुम्हें इम्पोर्टेंट मिलने आ रहा है तुमको। यार ये टिप्सन भी ऐसे हरकतें करते रहते हैं। अभी यार उसको मिलने भी जाना पड़ेगा, नहाना थे लेकिन यार आज नहीं नहाऊंगा। चलो छोड़ो यार, ये एम्बुलेंस लेकर जाओ के टिप्सन के घर पे, या फिर वो पुलिस वाली की गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। यार गाड़ी है या नहीं आज घर पे? ओ छोटू यार, अपनी गाड़ियां कहाँ पे? मुझे टिप्सन से मिलने जाना है। ओ साहब जी, कौन सी गाड़ियां साहब जी? कुछ नहीं भाई, तू चला जा भाई, इसके तो सुबह सुबह फ्यूज उड़े हुए है। बाय द वे दोस्तों, सामने की तरफ हम लोग को दो दो गाड़ियां दिख रही है, लेकिन कौन सी गाड़ी लेकर जाओ? इधर भी एक गाड़ी पार्क लगी होगी। ओ भाई साहब, ये सबसे मस्त गाड़ी है, हम लोग ये गाड़ी लेकर चलते हैं। बाय द वे दोस्तों, टिप्सन हमको किससे मिलाने वाला है? यार पता नहीं, उसका सुबह सुबह फोन आया था और वो बोल रहा था कुछ इंपॉर्टेंट बंदा आने वाला है, उससे मिलना है हमको। पता नहीं यार, उधर चलकर ही पता चलेगा। अब यार कोई इस गेट को तो खोल दो यार, इसको भी हमेशा तोड़कर ही बाहर निकलना पड़ता। ओ भाई साहब, गाड़ी भी ठुक गई। सुबह सुबह नुकसान हो गया यार, पता नहीं आगे वाला दिन कैसा जाएगा हमारा। अभी यार दोस्तों, सामने की तरफ हमारा रास्ता एकदम साफ दिख रहा है हमको, तो हम लोग अभी बहुत ज्यादा तेज गाड़ी भगाने वाले, फुल स्पीड में 100 की स्पीड में गाड़ी को भगाएंगे। और आप सभी को पता है कि पुल को पार करने के बाद हमारे सामने आता है एक बड़ा वाला रैंप, तो हम लोग रैंप से भी गाड़ी उड़ाने वाले है, 100 की स्पीड में उड़ाएंगे। पता नहीं भाई, आगे की तरफ से इतने बड़े रैंप से गाड़ी उड़ाएंगे तो क्या गाड़ी का हमारा कुछ बचेगा भी? पता नहीं भाई, वो तो देखने वाली बात है। बाय द वे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जाओ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बहुत ज्यादा खतरनाक वाला स्टंट होने वाला है। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ तो नहीं आई यार, इतनी स्पीड में लाई थी गाड़ी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा ऊपर नहीं गई। चलो छोड़ो यार, हम लोग को टिप्सन के घर पर जाना है बहुत जल्दी। अभी यार मैं गाड़ी भगाता हूँ और पहुंच जाता हूँ टिप्सन के घर में। अभी यार दोस्तों, गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते भगाते हम लोग पहुंच चुके हैं टिप्सन के घर पे। अभी यार क्या गाड़ी में इधर ही रोक दू? नहीं यार, ठीक से पार्किंग कर दे, क्योंकि यार पीछे से गाड़ी आएंगे और वो भी शोर मचा देंगे। चलो यार टिप्सन से मिलते और उसे पूछते कि वो हमको क्या इंपॉर्टेंट चीज से मिलाने वाला था। हेलो टिप्सन भाई, क्यों बुलाया तुमने मुझे? अबे मोटा भाई, क्या कर दे तुम यार, मैंने तुमको सुबह फोन लगाया और तुम दोपहर को आ रहे हो यार, ये गलत बात है ना। मोटा भाई वो छोड़ो, आगे की तरफ देखो, कुछ खतरनाक वाली चीज घटने वाली है इधर। यार टिप्सन भाई, ये आग क्यों निकलने लगी? ओ भाई साहब, कुछ खतरनाक। ये एक मिनट, ये स्पाइडरमैन है क्या? मेरी आंखों में कुछ धूल तो नहीं चली गई? ओ भाई साहब, ये स्पाइडरमैन है क्या? सच में बताओ। हाँ मेरे भाई, मैं स्पाइडरमैन ही हूँ और इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार मैं भी तुम्हारी तरह एक सुपर हीरो हूँ, वो भी यार मामूली हूँ, तुमसे ज्यादा पावरफुल तो मैं हूँ ही नहीं। स्पाइडरमैन एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको अपने वाइस टाउन की सबसे ऊंची बिल्डिंग में लेकर चलता हूँ। रो फिर बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, तुमको मेरी कोई जरूरत तो नहीं है? अगर तुमको मेरी कोई जरूरत है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। नहीं स्पाइडरमैन, थैंक यू, बट मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है अभी तक, लेकिन जब भी मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं तुमको पूछ लूंगा। हाँ रो फिर, तुम मुझसे बेझिझक मदद मांग सकते हो। वो देखो स्पाइडरमैन भाई, अपने वाइस टाउन की सबसे ऊंची बिल्डिंग आ चुकी है। अभी अपने वाइस टाउन को मैं आपके ऊपर से नजारा दिखाता हूँ, आप भी बोलोगे भाई क्या प्यारी वाइस टाउन है। हाँ यार रो फिर, मैंने जितना वाइस टाउन के बारे में सुना था, वाइस टाउन तो यार उससे भी प्यारा निकला। मैं क्या बोलता हूँ स्पाइडरमैन भाई, आप लोग इधर वाइस टाउन में आए हो तो यार दो चार दिन आप लोग रुक ही जाओ। नहीं रो फिर, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि यार मेरा मिशन चालू है और मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला था कि यार रात होने तक ही तुम इधर रुक सकते हो। अभी यार रात भी होने लगी तो शायद अभी मुझे जाना भी पड़ेगा। वैसे कौन सा मिशन चल रहा था और आप लोगों ने वाइस टाउन में आने का ही क्यों प्रेफर किया? क्योंकि यार मुझे पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ रो फिरो ये जो स्पाइडरमैन को टक्कर दे सकता है, और इसलिए मुझे लगा कि मैं वाइस टाउन में आराम से रह सकता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ रो फिरो, रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। बाय बाय स्पाइडरमैन भाई, मुझे याद रखना और कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। चले गए स्पाइडरमैन भाई, हमेशा के लिए चले गए स्पाइडरमैन भाई, मतलब कि अपनी अपनी दुनिया में चले गए। अभी यार इधर रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो यार मैं भी अपनी दुनिया में चल लेता हूँ, दुनिया में मतलब कि वाइस टाउन में चल लेता हूँ और अपने घर में जाकर सो लेता हूँ। यार आज का दिन बहुत अच्छा गया। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करना मत भूलना स्पाइडरमैन ओपी एंड यार मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। बाकी यार मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।